हेमा लेडी हार्डिंग, मैं नर्सिंग ऑफिसर हूँ पिछले दो साल नर्सिंग ऑफिसर पिछले दो साल से हम यहाँ पे संविदा में कार्यरत हैं। बिना किसी नोटिस के हमें ड्यूटी पे, नाइट ड्यूटी पे आते हैं, उसके बाद में हमें बोल दिया जाता है कि आपका नाम रजिस्टर से काट दिया गया है, आप लोग घर जाइए, आपके लिए यहाँ पे नई परमानेंट वैकेंसी आ गई है। एक तरफ मोदी सरकार हमें वादा करती है बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कौन अपनी बेटी को पढ़ाएगा जो ऑलरेडी अभी हमें नौकरी पे हैं, हमें बेरोजगार करके बेघर कर दिया है, हमारे ऑलरेडी परिवार हम पे डिपेंडेंट हैं, जिनके सहारे, जो हमारे सहारे चलते हैं, वो आज रोड पे आ गए, तो कहाँ से हम बेटियों को पढ़ाएंगे और बेटियों को बचाएंगे। दूसरी तरफ एक युवा रोजगार की बात करी जाती है, आज की डेट में एक बड़ा तबके का युवा आज पूरी बेरोजगार होकर रोड पर आके बैठा हुआ है, तो उसकी सुनवाई के लिए कोई नहीं है। पिछले आज 29 दिनों से हम पूरी तरह से बेरोजगार होकर रोड पे बैठे हुए हैं, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती। अब आखिरी में हमारे पास आमरण अनशन का है, तो हम तब तक आमरण अनशन पे बैठे रहेंगे जब तक हमारी सरकार पूरी सुनवाई नहीं की जाती है। प्रशासन का, हॉस्पिटल प्रशासन का क्या रवैया है आपके साथ में? हॉस्पिटल प्रशासन का तो इतना बुरा रवैया है, हमें यहाँ से डराने धमकाने तक के लिए पुलिस प्रशासन का पूरा बल का भी प्रयोग किया जाता है। जहाँ पे हम बैठते हैं कभी हमारी दरियाँ, कभी हमें वो SHO के द्वारा धमकी दिलवाई जाती है, कभी कुछ नए नए तरीके से हमें डराया धमकाया जाता है, यहाँ से भगाया जाता है। प्रशासन पूरी तरीके से, जो हमारे सारे लोग अभी आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं यहाँ, जबकि हॉस्पिटल में हम कहीं बाहर रोड पे नहीं बैठे हैं, हॉस्पिटल कैंपस में बैठने के बाद भी हमारा प्रशासन हमें ये तक देखने के लिए नहीं आया, जो आज दो दिन से भूखे बैठे हैं उनको क्या हाल है, कोई इसमें से मरेगा या कुछ होगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा।